नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, जानी रत्नों का रहस्य संसार। दोस्तों मैं रामन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे पत्थरों के अंदर ओपल, फायर ओपल। हमें बहुत सारी कंप्लेंट है रिलेटेड टू दैट कि स्टोन्स के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जब हम स्टोन ले लेते हैं बाद में फिट करवाते हैं, साइड से क्रैक हो जाता है या सेंटर से टूट जाता है। तो मैं यहां पे बता दूं, ओपल हो, फायर ओपल हो, डबल फायर ओपल हो, ये तीनों के तीनों स्टोन्स दे आर वेरी सेंसिटिव, इतने नाजुक हैं कि हल्की सी अगर इसको गलती से चोट लग गई तो समझिएगा ये क्रैक हो जाएगा। अब इसके साथ दूसरी बात जोड़ने जा रहा हूं, वो भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ओपल सस्ता है, सिंगल फायर ओपल महंगा है, डबल फायर वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये बहुत महंगा है। अब देखिए, पत्थर है, टूटेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा अपना ही नुकसान है। अब जिस कारीगर से बनवाने जा रहे वो तो नहीं पे कर पाएगा, वो तो 2-4-500 रुपए के चक्कर में हमारी रिंग तैयार कर रहा है, लेकिन उससे टूट जाने के बाद फिर वो पत्थर कंडम हो जाता है, बेकार, खत्म। अब हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि अगर वो साइड से हल्का सा टूट जाए तो क्या उसे हम डाल सकते हैं, बनवा सकते हैं, गले में पेंडेंट, हाथ में रिंग, ऐसा कुछ भी? तो मैं यहां पे बता दूं दोस्तों, टूटा हुआ पत्थर बिल्कुल असर नहीं करेगा, खंडित है, टूट गया है तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसान ही पैदा करेगा। इसी के साथ दूसरी बात और बता देना चाह रहा हूं, पत्थर कोई भी ले, रतन कोई भी ले, उसकी पूजा, लैब टेस्टेड कार्ड, रिपोर्ट कार्ड और अच्छे मुहूर्त के अंदर आकर पहनेंगे तो डेफिनेटली ये पत्थर आपको 100 नहीं 1000 नहीं 1,00,000 गुना ज्यादा फायदा देंगे। दोस्तों बचिए इन सब चीजों से, कोशिश करिएगा क्रैक, टूटा हुआ पत्थर बिल्कुल नहीं पहनना। हाँ, और जो मैंने अभी आपको बताया है, फायर ओपल, ओपल और डबल फायर ओपल, ये सेंसिटिव है, किसी अच्छे बंदे के पास जाए जो इसे बना सकते, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज बनना शुरू हो गया है। वो गया जमाना जब हथौड़ियों के साथ उसको फिट किया जाता था, अभी क्या है, कंप्यूटराइज होने की वजह से बहुत अच्छी जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन्स आई हुई हैं, वो बनाती हैं इसको, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान के पात्र हमें खुद ही बनना पड़ता है। तो दोस्तों मैं यहां पे सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि खंडित पत्थर, टूटा हुआ पत्थर, क्रैक पत्थर बिल्कुल नहीं पहनना। ये पहले ही खंडित हो चुका है, पहले ही टूट चुका है, तो जो पहले ही चीज टूट चुकी है वो आपको क्या फायदा देगी, क्या लाभ देगी, कुछ नहीं देगी। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन बहुत छोटी, फायदे बहुत बड़े। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा आप लिखेंगे तो हमारे सारे ऑल सर्च इंजन आपको शो हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से, जा अपने पारिवारिक सदस्यों की कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवा सकते हैं। सिर्फ आपने मैसेज छोड़ना, आपको प्रोसीजर आएगा, उसे फॉलो करिए और डिटेल में बात हो जाएगी, कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप जान सकते हैं कौन सा रतन, कौन सा उपाय आपके लिए, आपके पारिवारिक सदस्य के लिए बना है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।